नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। आज मैं आपको कुछ चित्र दिखाने वाला हूं, तो आप उस चित्र को ध्यान से देखिए और मुझे उसका अर्थ बताइए। तो ये है आपके सामने चित्र, आप मुझे बताइए ये इस चित्र को हम क्या कहते हैं। हाँ बराबर, इस चित्र को हम मराठी में अंबा कहते हैं, लेकिन आपको मालूम है इस चित्र को हिंदी में क्या कहा जाता है? मालूम नहीं? मैं आपको बताता हूँ, इस चित्र को हिंदी में हम आम कहते हैं। क्या कहते हैं? आम। ठीक है, अब ये दूसरा चित्र आप देखिए और मुझे बताइए मराठी में हम इस चित्र को क्या कहते हैं। हाँ बराबर है, हम मराठी में इसे द्राक्षे कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? अंगूर। समझ में आया? इसे हम हिंदी में अंगूर कहते हैं। अगला चित्र देखिए और मुझे बताइए मराठी में हम इसे क्या कहते हैं। हाँ बराबर है, हम रोज इसे खेलते हैं, इसे हम मराठी में चेंडू कहते हैं और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? गेंद। रोज हम इसे खेलते हैं, बराबर है। अगला चित्र देखिए आपके सामने है, कौन सा चित्र है? हाँ बराबर, इसे हम मराठी में हत्ती कहते हैं और हिंदी में हम इसे हाथी कहते हैं। ठीक है, अगला चित्र देखिए, कौन सा है ये चित्र? इसे हम मराठी में वाघ कहते हैं और हिंदी में हम इसे शेर कहते हैं। समझ आया? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चित्र दिखाने वाला हूँ जिसे हम मराठी में तो जानते हैं, लेकिन उसको हिंदी में उसका अर्थ क्या है ये हम नहीं जानते। आज हम वो सीखने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है पाठ 16वां, बोलो और जानो।